किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, वो हमारे लबों पर आने से पहले उस ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और दीप्ति के झरोके से मैं कहानियां सुनाती हूं। आज की कहानी बड़ी छोटी सी है, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था जो अपने राज्य में अपने दरबार में बैठने से पहले रोज मंदिर जाया करता था। उतरने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके सोचता था कि मैं इस धरती से ही आया हूँ, धरती में ही चला जाऊंगा, तो अपनी औकात को हमेशा अपने दिल और दिमाग में बसाए रखता था। और होता यूं था कि एक तरफ राइट साइड में एक भिखारी और लेफ्ट साइड में एक भिखारी बैठा होता एंड वही भिखारी दोनों उसी जगह पर रोज होते थे। जो राइट साइड पर भिखारी बैठा था वो रोज उससे कहता कि राजन, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे करके मुझ पर भी कृपा करें। और लेफ्ट हैंड वाला भिखारी जब भी राजा आकर बैठता तो यही कहता था कि हे खुदा, आपने राजन को सब कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दीजिए। ऐसा रोज होता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि वो भिखारी जो मुझसे रोज विनती करता है कि मुझे भी कुछ दे दीजिए, उसे क्या दिया जाए। पूर्णमासी की रात थी तो उसने सोचा खीर बनवाता हूँ, और स्वादिष्ट खीर, खूब उसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े थे और वो उसको दिया। और चलने से पहले उसकी खीर में आखिर में कुछ 5-10 अशर्फियां सोने की डाल दी और राजा ने उसको भिजवा दिया। कारी उसको देख करके बहुत खुश हुआ और दिल से धन्यवाद देने लगा। उसने भरपेट खीर खाई और उसने दूसरे वाले भिखारी से कहा कि देखो, मैंने राजा से इतनी विनती करी, इतना उनसे मैंने अनुग्रह किया और उन्होंने मुझे खीर दे दी, तुम्हारा ऊपर वाला तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहा। वो कुछ नहीं बोला। जब उसने पूरी खीर खा ली, उससे खाई नहीं जा रही थी, तो उसने साथ वाले भिखारी से कहा जो दूसरी तरफ बैठा था कि अब ये खीर तुम खा लो। इस बात से दूसरा भिखारी भी खुश हो गया और उसने ईश्वर का धन्यवाद देकर के उस खीर को खा लिया। खाने के बाद नीचे जो कटोरा था उसके तले में उसको 10 अशर्फियां सोने की मिली। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार, मैं आपसे रोज दुआएं करता था और आज आपने मेरी झोली इस तरह से भर दी। अगले दिन राजा ने आकर के पूछा, क्या तुम्हें खीर नहीं मिली? उसने कहा, नहीं मिली थी हुजूर, और मैंने भरपेट खाई पर कटोरा इतना बड़ा था कि मैं पूरी खा नहीं सकता था, तो मैंने आखिर की थोड़ी बची हुई खीर दूसरे वाले भिखारी को दे दी। तब राजा ने कहा कि जब ऊपर वाला चाहता है तो उसको परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, लेकिन वो उसकी मदद किसी न किसी रूप में कर देता है। इससे हमें छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि ऊपर वाले से शिद्दत से हम कुछ भी अगर मांगते हैं और हमारे मन में छल और कपट नहीं होता, हम किसी के हानि पहुंचाने के लिए उनसे कुछ नहीं मांग रहे, तो ईश्वर हमारी जरूर सुनता है। तो इस क्रिसमस ये छोटी सी कहानी, भगवान में आस्था और विश्वास हमें हमेशा रखना चाहिए। हमारी तरफ से कुछ ऐसी गलती या ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमें लगे कि हमने इंसानियत के नाम पर कुछ गलत किया। सो विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस। मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार एंड विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम दीप्ति के झरोके से।